आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पिज्जा बर्गर की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं एक खाने का चम्मच ऑयल लूंगी और ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। अब मैंने इसमें 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया हुआ था। आप चाहें तो आप इसे कूट भी सकते हैं। तब मैंने इसमें बोनलेस चिकन ली है जो कि 250 ग्राम मैंने ली है और इसको मैंने बिल्कुल बारीक क्यूब्स में कट कर लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर इसमें मसाले शामिल किए हैं जिसमें सबसे पहले 1 चाय की चम्मच नमक है, 1/2 चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 चाय की चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 चाय की चम्मच ही ओरेगानो पाउडर लिया है मैंने, 1 चाय की चम्मच टिक्का मसाला है और आखिर में 1/2 चाय की चम्मच ही हल्दी पाउडर का लिया है। इन सारी चीजों के साथ अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप के ऐड किए हैं। तो अब इसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें आखिर में सब्जियां शामिल करूंगी। सब्जियों में सबसे पहले तो मैंने मशरूम लिए हैं, इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है, ग्रीन और येलो दोनों कलर्स में मैंने ली है थोड़ी थोड़ी सी, इसके अलावा 1 गाजर थी, इसके अलावा मैंने थोड़े से जैतून लिए हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम इसे पकाएंगे, इसको उतार लूंगी, फ्लेम ऑफ कर लूंगी मैं। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। हमने यहाँ पर बर्गर बन लिए हैं जिसको हम सेंटर से काट लेंगे, एक साइड पे हमने मायोनीज लगाई है, दूसरी तरफ पर हम इसके केचप लगाएंगे। अब जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो अब हम इस पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने